चंडीगढ़ कला महाविद्यालय की वार्षिक प्रदर्शनी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो शहर के कला प्रेमी हैं, वो सभी इस एग्जीबिशन को देखने के लिए आ रहे हैं। का उत्साह देखते हुए हम शायद इस एग्जीबिशन को आगे भी रखें। इस प्रदर्शनी में चार विभाग के जो हमारे यहाँ पे विभाग रन किए जाते हैं, अप्लाइड पेंटिंग, ग्राफिक और स्कल्पचर, उसके अप्रॉक्सीमेटली 1200-1300 वर्क डिस्प्ले किए होंगे। जो हमारी मेन गैलरी है उसमें तो काम डिस्प्ले है ही हैं, इसके अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट के अंदर जो रूम हैं, उनके क्लासरूम हैं, उनको भी हमने एक गैलरी में कन्वर्ट करते हुए सारे वर्क डिस्प्ले किए हैं। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके साल भर का जो काम है उसको सजो कर हमने, मतलब जो भी उनके क्लासरूम में वर्क हुआ है उन्हीं में से सेलेक्ट करते हुए ये प्रदर्शनी लगाई गई है। और इस प्रदर्शनी में लगभग सारे जो स्टूडेंट हैं, BFA हों, MFA हों या स्पेशल डिप्लोमा के हों, वो पूरे उत्साह से अपना भरपूर सहयोग देते हैं और ये अपनी पूरी साल की मेहनत को यहाँ पे हम इकट्ठा करके डिस्प्ले करते हैं जो यहाँ पे नज़र आ रही है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट की ये जो एग्ज़िबिशन है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़िबिशन है, प्रदर्शनी है, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि वो अपने कामों की एग्ज़िबिशन लगाते हैं, अपने वर्क्स की को एग्ज़िबिट करते हैं। सो इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के वर्क्स हैं, पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, अप्लाइड आर्ट और स्कल्पचर। स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो चैलेंज करते हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मटेरियल हो, मीडियम हो, इन टर्म्स ऑफ थीम हो। सो स्टूडेंट्स जो हैं, जो आर्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, बडिंग आर्टिस्ट्स हैं, उभरते हुए कलाकार हैं, यू नो, जिन्होंने आगे जाके प्रदर्शनियों में हिस्सा लेना है, जो कि इंडियन आर्ट का जो सिनेरियो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे आगे जा कर के, वो जो एक आर्ट के सिनेरियो में जो कन्वेंशनल आर्ट चल रही है, समटाइम्स वो उसमें बंध के काम करते हैं, लेकिन समटाइम्स वो उन कन्वेंशंस को, उन परंपराओं को चैलेंज भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ जो वर्क्स हैं स्कल्पचर के या फिर पेंटिंग या प्रिंट मेकिंग के, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो परंपरा से, कन्वेंशन से हट के कुछ वो नया क्रिएट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ वर्क्स यहाँ पे डिस्प्ले हैं जिसमें पेंटिंग के साथ साथ यू नो म्यूज़िक को भी जो स्टूडेंट्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है। स्टूडेंट को एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म मिलता है, वो अपने ही काम को, सी जब आप उस काम को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जब आप उस काम को एग्जिबिट करते हैं, उस वर्क को एग्जिबिट करते हैं, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट वर्क देन। सो उस काम को आप बड़ी डिफरेंट लाइट में देखते हैं, उस काम को लेकर के डिस्कशंस होती हैं, स्टूडेंट्स को फीडबैक मिलता है, जो मैच्योर जो आर्ट हिस्टोरियंस हैं, आर्ट क्रिटिक्स हैं, वो उस काम को लेकर के यू नो एक्सप्लेन करते हैं, कमेंट करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। सो दैट वे एक बहुत ही अच्छा एक फीडबैक मिलता है स्टूडेंट्स को, जो कि उनको, उनके लिए बहुत क्रूशल है, उनके डेवलपमेंट के लिए कि वो एज एन आर्टिस्ट इवॉल्व हों, आर्ट की बारीकियों को, आर्ट के नुएंसेस को समझें, मटेरियल को समझें, मीडियम को समझें। सो दैट वेज दिस एग्जिबिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ख़ासकर इस साल जो ये एग्जिबिशन लगी है, प्रदर्शनी लगी है, हर रियाल में, हर फील्ड में, हर एरा में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कमाल के आर्ट वर्क क्रिएट किए हैं, चाहे प्रिंट मेकिंग है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, तो विच शोज़ कि स्टूडेंट्स कितनी बारीकी से चीज़ों को समझ रहे हैं, आर्ट के सिनेरियो को समझ रहे हैं। और यही नहीं कि आर्ट के सिनेरियो मीडियम को तो समझते हैं बखूबी, लेकिन वो जो एक ओवरऑल जो एक सोशल कंटेक्स्ट है, यू नो, वो भी स्टूडेंट्स को प्रभावित करता है।
हम इस टाइम ग्राफिक्स डिपार्टमेंट के लिथोग्राफिक प्रिंट मेकिंग के डिपार्टमेंट में हैं, और हम यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगी हुई है आर्ट कॉलेज के सब बच्चों की, और यहाँ पर हम एक बहुत प्राचीन पत्थर के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम लिथो प्रिंटिंग कहते हैं, और उस प्रिंटिंग के ऊपर हम लिथो स्टोन जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट प्रिंट है, और इसको हम रेत से नदियों से निकाला गया है, इसको काट कर इसके ऊपर हमने पहले कुरान लिखी गई उस धर्म फैलाने के लिए, उसके बाद हमने क्रिश्चियनिटी बाइबल लिखी गई, उसके बाद हिंदू धर्म की बाकी जो पुस्तकें हैं ऐतिहासिक वो बनाई गई। अब ये कलाकार इस पर अपनी कला कीर्ति बनाती हैं, और ये अनपेरिशेबल स्टोन है, इसको जितना घिसते हैं इसको दोबारा यूज़ किया जा सकता है। ये स्टोन की जो प्रिंटिंग है ये जितने मर्जी मल्टीपल प्रिंट लिए जा सकते हैं, और ये सस्ता पड़ता है, तो ये हमने इसको कला के लिए बच्चे यूज़ करते हैं, कला के ऊपर करते हैं, और कला का जो भाव व्यक्त करते हैं ये पेंसिल से भी, इसके ऊपर चारकोल से और वैक्स से मोम्स के रंगों से भी इस पर बनाया जा सकता है, और इसके लिए काफ़ी बड़ी कोई टेक्निक की जरूरत नहीं है, इसके लिए काफ़ी छोटी सी मशीनरी और हाथ से व्यक्त किए हुए कला का ये व्यक्तित्व है। ये सारा कलाकृति पीछे जो लगी हुई है सब बच्चों का काम है, इसमें MFA BFA ग्राफिक्स प्रिंट मेकिंग के बच्चों का काम है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से हमारे यहाँ गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में एनुअल आर्ट एग्जीबिशन चल रही है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट प्रिंट मेकिंग, अप्लाइड, स्कल्पचर, ग्राफिक, सारे डिपार्टमेंट्स, चारों डिपार्टमेंट्स अपने अपने प्रेजेंटेशन यहाँ पर दे रहे हैं। तो इस वक्त हम जहाँ पर हम देख रहे हैं ये स्कल्पचर डिपार्टमेंट है, और इसमें हर मीडियम में यहाँ पर काम देखने को आपको मिल जाएगा। ये स्टूडेंट के आर्ट वर्क है, स्टोन, टेराकोटा और सीमेंट वर्क और वुड कार्विंग, इसने बहुत सारे अलग अलग मीडियम में बच्चों ने काम किया है। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द ऑल द किड्स एंड स्मॉल स्टूडेंट्स। बुक्स पे ही काम करती हूँ, मेरा मेन एलिमेंट बुक्स पे ही रहता है, तो मैं उससे काफ़ी इम्प्रेस रहती हूँ कि कैसे हम बुक की नॉलेज अपने खुद अपटेन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम उसको आगे अपने दोस्तों या मेट्स या फैमिली तक पहुँचाना चाहते हैं। तो दैट्स वाई ये फेसेस बनाए हैं मैंने, कि कैसे हम लोगों को अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, उसी नॉलेज को आगे पास ऑन करने की कोशिश करते हैं। एंड द मिरर इज़ बिकॉज व्हेन अ पर्सन लुक एट एनी मिरर इन दिस मिरर, तो जो भी मैंने नॉलेज ऑब्टेन करी है वो मैं चाहती हूँ कि वो उस बंदे तक पहुँचे जो शीशे में देखेगा। तो दैट्स इट, दैट्स वाई दिस इज़ द इंस्टॉलेशन, बेसिकली इंस्टॉलेशन में आता है ये सारा। सो ये मेरी फोटोग्राफी है, इस पर बेसिकली श्रृंगार रस पर है ये फोटोग्राफी, विच इज़ अ रस ऑफ ब्यूटी एंड लव। यहाँ पर लव आजकल के वक्त का नहीं, इश्क दिखाया गया है जो पहले के वक्त में हुआ करता था। सो दिस एंटायर इज़ अ स्टोरी इन इटसेल्फ। पहले फ्रेम में लाइक यू नीड टू इमेजिन योर बिलव्ड वन, इसने उसको देखा, उसके बारे में सोचकर शर्माई, शर्माकर उस खत को लिखा गया, खत में जज्बात पे रोए गए, वो ही खत उस तक पहुंचाने का संघर्ष किया गया और उसी की याद में डूब गए। दैट्स हाउ द प्रोसेस गोज ऑन। सो मैंने इसमें सोसाइटल स्ट्रिंग्स बनाए हैं, जैसे कि कठपुतली का ऑनर कठपुतली को नचाता है, उसी टाइप से सोसाइटी विमेंस को नचाती है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। सो बेसिकली मैंने वही स्ट्रिंग्स को अपने स्कल्पचर में दिखाया है, उसी टाइप से जैसे कि सोसाइटी हमें नचा रही है, पर उसके अंदर रहकर हम अपने आप को कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं इस जनरेशन में अपने आप का एक नाम बनाने के लिए, उसको मैंने अपने स्कल्पचर में दर्शाया है। जैसे कि ये निटिंग की प्रोसेस मैंने इसमें दिखाई है, जैसे हम बुनते हैं अपने आप को, तो वही प्रोसेस मैंने इसमें दिखाई है। थैंक यू।
इसमें मैंने दो तरह के मैग्नेट्स का यूज़ किया है, एक है इसमें शी शेप मैग्नेट और एक है यू शेप मैग्नेट। बीच में जो एनर्जी है वो इनका कॉम्बिनेशन इनको कनेक्ट कर रही है आपस में, तो ये पूरी एक फॉर्म जो आपस की एक पूरी फॉर्म जो क्रिएट कर रही है वो इन्फिनिटी का सिंबल क्रिएट कर रही है, जो कभी ना ख़त्म होने वाला, जिसका एक मतलब है जो कभी नहीं ख़त्म हो सकता। तो ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तो मैं अपने काम के अंदर वही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो एनर्जी है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, मैग्नेटिक एनर्जी। इस कल्चर का टाइटल मैंने दिया है कनेक्शन विद दी ऑपोजिट सेक्स। जैसे मेल और फीमेल होते हैं, मेल जो है फीमेल से अट्रैक्ट होता है, फीमेल जो है मेल से अट्रैक्ट होती है, तो इसके अंदर मैंने दो सिंबल यूज़ किए हैं। पहला जो सिंबल है ये फीमेल का सिंबल है, सेकंड जो सिंबल है वो मेल का सिंबल है। जो उनका जो आपस का कनेक्शन होता है, जब वो कंबाइन होते हैं, एक फीलिंग होती है, क्रिम्पी सी फीलिंग होती है, जिसमें हमें गूज बम्स आते हैं, पेट के अंदर ऐसा लगता है बटरफ्लाईज उड़ रही हैं, तो वो जो टेक्सचर है ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि वो फीलिंग्स हम देख नहीं सकते, तो मैंने वो एक्सप्रेस करने की कोशिश की है इस काम में कि वो जब कंबाइन होते हैं वो फीलिंग है वो दोनों तरफ इक्वली डिवाइड होती है, तो मैंने इस काम के अंदर वो चीज़ दिखाने की कोशिश की है। इस काम से मेरे को पंजाब ललित कला से मेरिट अवार्ड मिला है प्रोफेशनल कैटेगरी में, तो ये काम वहाँ पे भी डिस्प्ले था, एक हफ्ता वहाँ पे डिस्प्ले था, उसके बाद अभी इस एग्जीबिशन में मैंने इसको डिस्प्ले किया। को लेकर काम करती हूँ, यहाँ पर मैंने तीन पेंटिंग्स लगाई हैं जो तीनों ही विमेंस के लाइफ को डिपिक्ट करती हैं, जो भी उन्हें दिक्कतें आती हैं या कुछ भी डिफ़िकल्ट पार्ट होता है लाइफ में। और आजकल जैसे हम देख सकते हैं अपने गांव के एरिया में या इंडिया में भी आजकल ऐसा है कहीं ना कहीं, चाहे हम कितना भी मॉडर्न हो गए हैं। तो बेसिकली ये मेरी फर्स्ट पेंटिंग है जो कि वंश के ऊपर है। हमारे घरों में कहते हैं कि लड़का होने की बड़ी दुआ करी जाती है कि हमारे घर में लड़का हो, वो हमारा वंश चलाएगा, तो वंश चलाएगा, पीढ़ी चलाएगा। हर कोई अपने घर से सोचता है कि मतलब अपने घर के बारे में सोच रहा है कि हमारी पीढ़ी चलेगी, है ना। तो इस काम में मैंने ये दिखाया है कि इसमें एक इमेजिनेशन, एक फ्यूचर दिखाया है जिसमें लड़कियां कम हैं और लड़के ज़्यादा हो रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है जो तुम दुआ कर रहे हो, जो सोसाइटी के लिए बोल रही हूँ मैं, कि जो तुम दुआ कर रहे हो कि लड़के ज़्यादा हो रहे हैं और लड़कियां कम, है ना, ऐसा हो जाता है तो क्या है, वंश है जो ऑटोमेटिकली ख़त्म होता है। तो ये एक ओवरऑल सोसाइटी को सोचना चाहिए कि अगर हम ओवरऑल सोचते हैं तो वंश तो ऑटोमेटिकली ख़त्म है, तो वंश के लिए हमें बॉयज़ गर्ल्स दोनों ही चाहिए। तो ये दुआ नहीं करनी चाहिए, खासकर हम घर में बेटी हैं और हमारे सामने ये दुआ करी जाती है कि लड़का हो, तो हमारे लिए वो हर्ट और इंसल्टेड फीलिंग है एक। वहीं मेरा दूसरा काम ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। ये एक बंगाल से लेडी हैं जो कि एक क्लिनिक पे काम करते हैं। तो इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और डेथ के बाद जो इनके हस्बैंड का क्लिनिक था इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया, और उसको आगे बढ़ाने के बाद भी दुनिया उनको इतना ज़्यादा जज करती है, वो क्या पहन रहे हैं, क्या कैसे बात कर रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसी अदर मैन से तो नहीं बात कर रहे। तो इसमें मैंने ये दिखाया कि एक तो वो इतना स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है, इतना अपने गाँव से दूर रह रहे हैं चंडीगढ़ जैसे एरिया में, उसके बाद भी लोग उन्हें जज कर रहे हैं, ठीक है। उनकी जो स्ट्रगल लाइफ है ना, यहाँ पे मैंने आप देख सकते हो पैर बंधे हुए दिखाए हैं, जो लोगों की ज़ुबान है वो उनकी स्ट्रगल लाइफ में बेड़ियाँ बन रही हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि दुनिया को ना ऐसी लेडीज़ के साथ कोऑपरेट करना चाहिए बजाय उनको जज करने के। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि उन्हें ना गाँव छोड़ कर चले जाना चाहिए क्योंकि उनके सिर पर कोई आदमी नहीं है। तो मेरा काम वीमेंस को ही लेकर रहता है कि वीमेंस होती हैं जो स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उनके साथ सोसाइटी कोऑपरेट करे बजाय उन्हें जज करने के।
मिनी कैंपेन है और इसमें हम ऐसे पोस्टर्स बनाते हैं, न्यूज़पेपर एड्स बनाते हैं, मैगजीन का सेंटर पेज है, जैसे ये मैगजीन के सेंटर पेजेस बने हैं, तो इसमें हमें एक प्रोडक्ट मिलता है जिसके ऊपर हमने पूरा कैंपेन बनाना होता है और ये सोशल कैंपेन आ जाता है जिसमें जैसे हमने अर्थ, सॉयल और फूड के बारे में दिखाया है। ये भी सोशल कैंपेन है जिसमें हमने बच्चों के बारे में दिखाया है। ये कैंपेन का आइडिया काफ़ी अच्छा लगा था मुझे पर्सनली। इसमें जैसे हम बच्चों को छोटे होते टॉयज़ देते हैं, उसकी जगह बच्चों को एक प्लांट दिया जाएगा जो कि एआई के साथ कनेक्टेड होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। वो प्लांट, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताएगी बच्चे को कि कैसे उसको, कब उसको पानी चाहिए, कब उसको वहाँ पे जाना है, धूप में लेके जाना है या क्या करना है, तो ये सब उसके ऊपर बेस्ड है। ये काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट है, एग्जिस्ट नहीं करता, हाइपोथेटिकल प्रोडक्ट है। और ये पोस्टर्स आ रहे हैं, पोस्टर्स हमें मिला था एआई का टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, चाहे वो एग्जिस्ट कर रहा है चाहे नहीं कर रहा। तो बच्चों ने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जैसे इसमें हेलमेट है, इसमें स्मार्ट वॉच है, इसमें वीआर है और इसमें ग्लासेस हैं, एआई ग्लासेस। इसमें एक टेलीफोन है जो कि डॉग्स की लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ऐसे ऐसे करके और भी ये पोस्टर्स हैं उनके ऊपर ही बेस्ड। और ये स्केचेस हैं, ये सारे हाथ से बने हुए हैं पेंसिल मीडियम में। एंड फिर ये पोस्टर्स हैं, ये सारे डिजिटल आर्ट है, ये इलास्ट्रेशंस भी डिजिटली बनी गई हैं। इसमें मैंने ही बनाया, तो इसमें मैंने जो सिखिज़म के रिलेटेड जितने भी शहीद हुए हैं उनमें से कुछ लोगों को लिया। ये फोटोग्राफी आ जाती है और ये कैरिकेचर्स, हमारे टीचर्स के ही कैरिकेचर्स हैं। और इसके बाद ये सारी इलास्ट्रेशंस हैं, ये नेचर के ऊपर बेस्ड है और ये बाकी सारी स्टिल लाइफ्स हैं।